तो आइए स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन ऑफ द डे का सेकंड पार्ट। केमिकल काइनेटिक्स का कल कंडीशन देख रहे थे, इसमें लिख रहा हूं क्वेश्चन, द रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज log k इक्वल टू 14.2 माइनस 1 इंटू 10 का पावर 4 अपॉन टी, और ये लिखा हुआ कंडीशन इंटू के। बोल रहा है कंडीशन फाइंड एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी आपको निकालना है। जैसे आपने देखा k का रिलेशन टेम्परेचर के साथ, तुरंत समझ गए कि k क्या है, रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट का टेम्परेचर के साथ दिख रहा है कंडीशन। इसका मतलब ये रिलेशन किसका हो सकता है, रेडियस, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ k को एक्सप्लेन किया था किसने, रेडियस ने। और रेडियस का कंडीशन अगर आप देखेंगे तो इक्वेशन आपको पता है कंडीशन, k इक्वल टू आप क्या लिखते हैं, a इंटू ई का पावर माइनस ए अपॉन आर टी, ये कंडीशन आप लिखते हैं। लेकिन यहाँ लॉग k के टर्म में आप लॉग ले लीजिए दोनों तरफ, अगर ऐसा कंडीशन होगा तो लॉग k इक्वल टू लिखेंगे क्या, लॉग a इंटू बी लॉग a प्लस बी, और लॉग e लॉग a प्लस लॉग b, तो लॉग b में हो जाएगा लॉग e का पावर बोलो ये अपॉन क्या लिखेंगे आर टी, और लॉग x टू द पावर y इक्वल टू y लॉग x। सो लिखेंगे कंडीशन लॉग k इक्वल टू लॉग a, और ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये अपॉन आर टी, और लॉग क्या बचेगा e। सो आप लिखेंगे कंडीशन लॉग k इक्वल टू, लिख सकता हूं मैं लॉग k इक्वल टू लॉग a, लॉग a, और यहां देखो कंडीशन लॉग e का वैल्यू 1/2.303, सो लिखेंगे कंडीशन e अपॉन इसका वैल्यू 2.303, और ये बना आर टी, बोलो क्लियर है। अब आप देखो लॉग के और टी के टर्म में इक्वेशन दिख रहा है, बस कंपेयर कर देना। कल आपको बताया था जब इक्वेशन का फॉर्मेट हो उसी फॉर्म में इक्वेशन को लाइए ओरिजिनल को, और कंपेयर कर दीजिए, दिस वन लॉग के, ये लॉग ए, और ये कंडीशन जो आपको दिख रहा है ये अपॉन आर टी, ये कंडीशन आपके पास ये अपॉन आर टी, बोलो क्लियर है। सो मिल गया कंडीशन, यहां से लिख सकते हैं कंडीशन ए अपॉन 2.303, और ये आर टी इक्वल टू क्या दिखेगा कंडीशन, ये 10 का पावर 4 और अपॉन कितना टी, ये टी कैंसिल होगा, एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू यहां से निकलेगा 10 का पावर 4, इसको इधर ले चलो 2.303 और इनटू क्या लिखेंगे बोलो आर, और आर का वैल्यू 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। सो यहां से जब इसको आप सॉल्व करेंगे ये आएगा 191.47, ये कंडीशन आएगा, और ये किलो जूल पर मोल, बोलो क्लियर है कंडीशन। तो बहुत सिंपल कंडीशन है कि जब भी आपको इक्वेशन से बेस्ट क्वेश्चन दिखेगा, इक्वेशन से बेस्ट क्वेश्चन में आपको दिखना है कंडीशन, और जिस फॉर्म में आपको दिख रहा है क्वेश्चन उसी फॉर्म में आपको उसके ओरिजिनल इक्वेशन को लेके आना और कंपेयर कर देना, आंसर मिल जाएगा, बोलो क्लियर है, बहुत सिंपल तरीका। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।